नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका KPL एग्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बैक्ट्रियन ऊंट में कितने कूबड होते हैं? बैक्ट्रियन ऊंट 2, 1, 4 कूबड नहीं होता। ये क्वेश्चन आया था 2012 के पेपर में और मैंने 2012 का पेपर दिया था कृषि पर्यवेक्षक का, तो ये मेरा गलत हो गया था। इसका सही आंसर है 2 कूबड़ होते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? जो लद्दाख क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर साइड क्षेत्र है, वो पहाड़ी क्षेत्रों पर जो बैक्ट्रियन ऊंट हैं वो पाए जाते हैं। उस टाइम ये क्वेश्चन काफ़ी नया था। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा समूह गलत है? ये मक्का के समूह हैं, यानी कौन सी मक्का को क्या कहा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पॉपकॉर्न जिया मेज एबर्टा, स्वीट कॉर्न जिया मेज इंडियन डाटा, पॉड कॉर्न जिया मेज ट्यूनिकेटा, फ्लोर कॉर्न या सॉफ्ट कॉर्न जिया मेज एमिलीसीना। दोस्तों इसका सही आंसर है कि निम्न में से कौन सा समूह गलत है, तो ये स्वीट कॉर्न है ना, ये जिया मेज इंडियन डाटा, इसको नहीं कहते। जिया मेज इंडियन डाटा को कहते हैं दोस्तों डेंट कॉर्न। क्या कहते हैं? डेंट कॉर्न। और जो स्वीट कॉर्न है इसको पता है क्या कहते हैं? इसका वो है स्वीट कॉर्न है, क्या कहते हैं स्वीट कॉर्न को? कहते हैं जिया मेज सेकेरेटा। क्या कहते हैं? जिया मेज सेकेरेटा। पॉपकॉर्न को जिया मेज एबर्टा कहते हैं, बिल्कुल सही है। पॉड कॉर्न को जिया मेज ट्यूनिकेटा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और स्वीट कॉर्न को क्या कहते हैं? जिया मेज सेकेरेटा कहते हैं। और इसको कहते हैं डेंट कॉर्न। ये अमेरिका में उगाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भेड़ के कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन कहाँ से है आपका? ये है पशु औषधियों में से आपका क्वेश्चन है, पशुपालन में से। एल्कोहल नीलाथोता कपूर, सॉरी नीलाथोता इसमें 2 बार आ गया है और ये इसका सही आंसर है नीलाथोता ही। नीलाथोता मैं आपको बता दूं, नीलाथोता क्या होता है? कृमिनाशी होता है और वमनकारी होता है। खुरपका मुंहपका रोग में नीलाथोते का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं मुंहपका खुरपका एंथ्रैक्स तपेदिक उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी क्वेश्चन 2012 के पेपर में पूछे जा चुके हैं और इसी तरह से क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन 2015 और 2018 में भी इसी तरह के क्वेश्चन आए थे। हालांकि 2012 का पेपर थोड़ा टफ था, 2018 का जो पेपर था वो थोड़ा इतना मतलब ऊपर ऊपर से आया था, उसमें ज़्यादा गहराई से उसमें नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? यानी कि आप 1 हेक्टेयर टमाटर बो रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना क्षेत्रफल पे आप नर्सरी लगाओगे? 225 वर्ग मीटर, 425, 625, 825। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 225 वर्ग मीटर। क्या चाहिए? क्षेत्रफल अपने को चाहिए टमाटर की पौध लगाने के लिए, कितनी? 1 हेक्टेयर, ठीक है। अगला है, टमाटर के फलों में लाइकोपिन पिगमेंट किस तापक्रम पर सबसे अधिक बनता है? लाइकोपिन क्या है? पिगमेंट है, किस तापक्रम पर बनता है? 4 ऑप्शन है, 20-25, 25-30, 30-35 या फिर 35-40। तो सबसे अच्छा लाइकोपिन कब बनता है? 20-25 या आपको 21-24 भी ऑप्शन मिल सकता है। तो ये लगभग 20-25 पे ही लाइकोपिन पिगमेंट है वो बनता है। तो ये दोनों क्वेश्चन टमाटर से आए हैं और 2012 के पेपर में ये दोनों क्वेश्चन टमाटर से आए थे। जो 2012 में पेपर था उसका एक क्वेश्चन था 4 नंबर का और माइनस थी 1 नंबर, लेकिन 2018 का और 2021 में जो पेपर लगेगा उसका सिस्टम है एक क्वेश्चन 3 नंबर का और माइनस 1। तो पैम वो सिस्टम है वो बदल दिया गया है। अब थोड़ा सा आपको टमाटर के बारे में बता देते हैं और कुछ किस टमाटर की कुछ किस्में बता देते हैं आपको। टमाटर की किस्म है एक
टमाटर किस्म है पूसा रूबी। पूसा रूबी क्या है? टमाटर की किस्म है। दूसरी है पूसा 120। तीसरी आपकी पूसा शीतल। पूसा कौरव। पूसा सदाबहार। पूसा उपहार। किस्म है पूसा रूबी? ये अगेती किस्म है टमाटर की। पूसा रूबी कैसी है? अगेती किस्म। इसके जो पूसा रूबी जो किस्म है, इसके फल 60 से 65 दिन में ही पक जाते हैं। रोपाई के 60 से 65 दिन में ही पक जाते हैं। किसके? पूसा रूबी के। उसके बाद है आपकी पूसा 120। पूसा 120 जो सूत्रकृमि से होने वाली बीमारियां हैं उनको सह सकती है। सूत्रकृमि से होने वाली जो सूत्रकृमि से बीमारियां होती हैं उनको पूसा 120 उनके क्या है? प्रतिरोधी किस्म है टमाटर की। पूसा शीतल, देखिए नाम है इसका शीतल, तो ये क्या है 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भी इसके फल हैं जो लग जाते हैं, यानी कि शीत ठंडे मौसम में भी लगाई जा सकती है। अगली है पूसा गौरव, क्या है? लंबी दूरी पर ले जाने के लिए उपयुक्त किस्म है। लंबी दूरी पर टमाटर को अगर आप ले जाना चाहते हो पैदा करके और लंबी दूरी पर टमाटर ले जाते हो, टमाटर थोड़ा सा टाइट होता है इसका, तो लंबी दूरी पर ले जाने के लिए ये उपयुक्त है। ये दोस्तों क्या है? उत्तरी भारत के मैदानों में उगाई जाती है पूसा सदाबहार। ये उत्तरी भारत के मैदानों में इसका क्या है उगाई जाती है? और जो पूसा उपहार किस्म है इसके क्या है? फल गुच्छों में लगते हैं और ये भारी पैदावार देती है, यानी कि अच्छी पैदावार आपको देती है ये टमाटर। कुछ इसके अलावा भी किस्में हैं टमाटर की, बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं आपको मोस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो टमाटर कुछ और किस्में भी हैं आपको बताते हैं। हिसार ललित टमाटर की किस्म है। अर्का वरदान टमाटर की किस्म है। हिसार ललित भी टमाटर की किस्म है। पूसा रूबी टमाटर की किस्म है। पॉली हाउस के लिए उपयुक्त है पूसा रूबी। अर्का सौरभ टमाटर की किस्म है। अर्का सौरभ। अब सोलेनेसी क्या है? टमाटर का कुल है सोलेनेसी। टमाटर बैंगन आलू तीनों का कुल क्या है? सोलेनेसी कुल इनका है। अर्का अभिजीत भी क्या है? टमाटर की किस्म है। अर्का अभिजीत। पूसा दिव्या भी क्या है? टमाटर की किस्म है। अगला देखो दोस्तों, वैज्ञानिक नाम बात करते हो, जो वनस्पतिक नाम है इसका लाइकोपर्सन एस्कुलेंटम है, टमाटर का वनस्पतिक नाम हो गया। फल फटना क्या है? एक बीमारी है टमाटर का, दैहिक विकार है। ये बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से। पूछा जा सकता है टमाटर में फल फटना किस तत्व की कमी से होता है या किसके कारण होता है? ब्लोसम एंड रोट रोग होता है, ये भी एक, ये किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। फल छेदक टमाटर का क्या है? प्रमुख कीट है जो टमाटर के ऐसे फल होता है इसमें घुस जाता है और टमाटर के गूदे को खा जाता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल ब्लाइट, इसको कहते हैं झुलसा रोग। झुलसा रोग क्या होता है? टमाटर में टमाटर की फसल अचानक पूरी सूख जाती है। इसके नियंत्रण के लिए क्या देते हैं? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल का छिड़काव करते हैं। किसका? कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। पेरू टमाटर का उत्पत्ति स्थान है, क्या है? पेरू। उत्पत्ति स्थान भी पूछा सकता है टमाटर का, निम्न में से उत्पत्ति स्थान है पेरू। टमाटर में जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है।
लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। तो एक बार इस आप देख सकते हो, एक्चुअली यह थोड़ा सा पसीना आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि पंखा को बंद कर रखा है क्योंकि पंखा नॉइज करता है, एसी है नहीं, तो आपके लिए एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें KPL एग्री। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कौन सी फसल चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, अगला वीडियो आपको उसके लिए उस पर बनाने की आपको कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से।